अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अलबाग इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में ओवन की जो फ्यूज़ उड़ाने का जो प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगा। ये देखें, ये इसमें ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाई आई हुई है और इसके अंदर भी चिकनाई आई हुई है। ये देखें, मैं उतार के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा चिकनाई आई हुई है और ये स्पार्किंग हुई हुई है। जब स्पार्किंग हुई तो ये हाई एम्पेयर बने और हाई एम्पेयर की वजह से जो फ्यूज़ है, मेन फ्यूज़ वो 10 एम्पेयर का होता है और वो जल जाता है। ये ऑन नहीं हुआ अभी, इसके हम चेक करते हैं इसको। फ्यूज़ ये एक साइड पर लगाते हैं, ये देखिए, ये लेकिन इस साइड पे ये नहीं आएगी। अब मैं इसका फ्यूज़ जो है वो चेंज करता हूँ, करके नया लगाते हैं, नया लगा के चेक करते हैं। लग गया, अभी पहले हम इसको सीरीज में लगाएंगे ताकि आगे अगर मैग्नेट्रॉन ट्यूब शॉर्ट है तो उसका भी पता चल जाए। तो जो अगली मेरी वीडियो है वो मैग्नेट्रॉन ट्यूब के हवाले से होगी, जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो कैसे उसको चेक करते हैं, उसको रिपेयर कैसे करते हैं। अभी मैं इसको लगाता हूँ सीरीज में। ये देखिए, ये ऑन हो गया, देखिए जल गया, इसका मतलब ये करंट ले रहा है। तो अभी हम लगाते हैं इसको डायरेक्ट। ये देखिए, ये भी सफाई होने वाली है। ये देखिए, ये मेरी सफाई हो गई, ये सफाई होने वाली है सारी। सफाई करके करेंगे और ये नया लगाएंगे। ये इसको अभी मैं इसके अंदर पानी रखता हूँ, पानी रख के चेक करेंगे। अब हम इसकी करेंगे सफाई अंदर से। देखें दोस्तों, ये बाहर आ गया है। ये देखें, इतनी चिकनाई, बहुत ज़्यादा चिकनाई है। इसके बैक साइड पे भी ये देखें चिकनाई है।
अभी हम इसको साफ़ करेंगे। ये देखें जी, ये साफ़ कर दिया है बिल्कुल, अंदर से नीट एंड क्लीन पेंट भी कर दिया है, और इसकी जो हीटर था और बैक प्लेट दोनों बिल्कुल साफ़ हो गई है, और ये पैड भी हमने नया बनाया है। अब इसको फिट करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे अब हम फिट करते हैं इसको। हाँ जी, ये देखें लग गया है, कंप्लीट हो गया है ओवन हमारा, और अब ये देखें ये पैड भी लगा दिया है, और ये नीचे से जहाँ पे कलर था वहाँ पे कलर भी कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, शुक्रिया।